हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिफिकेशन के बारे में। नाइट्रिफिकेशन को डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अमोनिया और अमोनियम ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है अमोनिया और अमोनियम का नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होने का, ये प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ये एनवायरनमेंट में नेचुरली पाया जाता है और इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया के थ्रू कैरी आउट किया जाता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रिफिकेशन को प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस सबसे पहले रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट सर्गेई विनोगा डस्की ने नाम के साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। और नाइट्रिफिकेशन जो है वो एरोबिक प्रोसेस होता है जिसे जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं और आर्चिया हैं, इन बैक्टीरिया के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये देखिए, ये इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में है। अब ये नाइट्रोजन किस किस तरीके से वर्क कर सकता है? सबसे पहला तो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के थ्रू ये अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा, बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है। प्लांट एंड माइक्रोब्स प्रोटीन में ये कन्वर्ट हो सकता है, मीन्स प्लांट के थ्रू इसे लिया जा सकता है और माइक्रोब्स के थ्रू लिया जा सकता है। लाइक, अगर प्लांट के थ्रू इसे लिया जाता है एज अ प्रोटीन, तो जब प्लांट को कोई एनिमल फीड करता है तो प्लांट का जो प्रोटीन होता है वो एनिमल के पास चला जाता है और एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एनिमल प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। देन ये अमोनिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो सकता है थ्रू नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, और ये नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये नाइट्रेट अगेन एटमॉस्फेयर में जा सकता है थ्रू डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ये जो डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, ये डी नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, जिसमें नाइट्रेट जो है वो अगेन एटमॉस्फेयर में जा सकता है और नाइट्रोजन इसे फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कह सकते हैं। और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ये थ्रू लाइटनिंग मीन्स सनलाइट के थ्रू नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो प्रोटीन है, जो प्लांट का प्रोटीन होता है, वो एक तो एनिमल के फीड करने की वजह से फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर डायरेक्ट क्या होता है कि प्लांट वगैरह जो है वो डीके हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उस टाइम पे जो प्लांट का प्रोटीन होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है एनवायरनमेंट में। ओके, देन नेक्स्ट, डेफिनेशन। अगर सिंपल फॉर्म में डेफिनेशन अगर दिया जाए नाइट्रिफिकेशन का, तो यहाँ पे टू टाइप का डेफिनेशन हो सकता है, क्लासिकल डेफिनेशन एंड मॉडर्न डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू ये नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो सॉइल या फिर वाटर में परफॉर्म कराया जाता है, जिसमें क्या होता है अमोनिया और अमोनियम आयन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन है जिसे क्लासिकल डेफिनेशन कह सकते हैं आप। और इसके अलावा एक सिंपल लाइन है कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन नाइट्रेट में होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। देन ये जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का जो रिड्यूस फॉर्म होता है, नाइट्रोजन का कोई सा भी रिड्यूस फॉर्म, बहुत सारे रिड्यूस फॉर्म हो सकते हैं नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के जो किसी भी रिड्यूस फॉर्म का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा
ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाता है, मतलब किसी भी नाइट्रोजन के रिड्यूस फॉर्म का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म में होना नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है. ओके, देन नेक्स्ट, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया. कितने टाइप के नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं? यहाँ पे टू ग्रुप्स हैं. फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है? अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. एंड सेकंड ग्रुप में क्या है? नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. जो अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोकोकस और नाइट्रो सोलोबस, ये चार बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोस्पाइना बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमोनिया एंड नाइट्राइट